हेलो फ्रेंड, वेलकम टू विशाल फर्नीचर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल फर्नीचर में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों कि एच बेंडिंग और पीयूसी दोनों एक ही को बोलते हैं, वो किस प्रकार लगाया जाता है। दोस्तों हम आपको एक ड्रावर में लगा के बताएंगे कि कैसे लगाते हैं। दोस्तों आप वार्डरूप में, ड्रावर में, कहीं पर भी लगाना है तो आराम से लगा सकते हैं। दोस्तों उसका जो मेन काम रहता है दोस्तों उसका फिनिशिंग किस प्रकार किया जाता है और किस चीज़ से करना चाहिए। दोस्तों अगर आपके पास राउटर मशीन या फिर छोटा ट्रिमर मशीन या फिर उसका जो एच बेंडिंग क्लीनर आता है दोस्तों वो भी नहीं है तो किस चीज़ से कर सकते हैं, इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दोस्तों घंटी आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जो वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ड्रावर में एच बेंडिंग कैसे लगाते हैं हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये देखिए दोस्तों, एच बेंडिंग और जो पीयूसी दोनों एक ही को कहते हैं दोस्तों, उसका अलग अलग नाम से सब बुलाते हैं। ये देख लीजिए, थोड़ा सा फोकस करने दीजिए। जी बिल्कुल यही है दोस्तों, ये देखिए, ये इसको हम ड्रावर में लगा के दिखाएंगे दोस्तों कैसे लगाना चाहिए। और जो मेन रहता है दोस्तों वो ये रहता है कि इसका फिनिशिंग किस प्रकार किया जाता है और किस चीज़ से करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। बहुत लोग आपको बताते होंगे दोस्तों कि क्लीनिंग किस चीज़ से किया जाता है, इसका एक प्रोडक्ट बताएंगे कि जो आपका एच बेंडिंग क्लीनर आता है दोस्तों उसका छोटा आइटम रहता है लेकिन 2000 रुपये का मिलता है। और अगर वो आपके पास नहीं है तो हाथ से कैसे कर सकते हैं, आपके पास छोटा ट्रिमर मशीन भी नहीं है जैसे कि यहाँ पर देखेंगे मेरे पास अभी है दोस्तों, लेकिन हम इससे नहीं क्लीनिंग करेंगे, हाथ से ही करके दिखाएँगे और किस चीज़ से करना चाहिए दोस्तों, फर्शी से करना चाहिए नहीं तो आपका रंदी से करना चाहिए वो हम इसी वीडियो में आपको बताएँगे। सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, इस पे हम हीटेक्स लगा दिए हैं, अपना जो एच बेंडिंग रहता है हम हीटेक्स से ही लगाते हैं, प्रोबैंड से भी लगा सकते हैं दोस्तों लेकिन एच बेंडिंग स्पेशल करके इसी से रहता है जो हीटेक्स रहता है ये, क्योंकि ये वाटर प्रूफ रहता है तो इस वाटर जाने से भी ये नहीं निकलेगा और जल्दी होता है थोड़ा दोस्तों, फास्ट काम कर सकते हैं आराम से वो अपना। देखिए दोस्तों यही है, इसमें हम लगा दिए हैं, शायद थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा येलोपन, और इस पर भी लगा दिए हैं दोस्तों। अब चलिए इसको हम लगा के दिखाते हैं दोस्तों किस प्रकार लगाना चाहिए और कैसे इसका फिनिशिंग कैसे करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। ये हमारा छोटा वीडियो है, बहुत पहला वीडियो रहेगा जो बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा और इसमें जो जानकारी है वो आपको पूरी मिलेगी। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एच बेंडिंग जब इस पर लगाते हैं तो किस चीज़ से आपको फिनिशिंग करना चाहिए। तो ये देख लीजिए, फिनिशिंग करने के लिए दोस्तों या फिर कटिंग करने के लिए आपका जो डायमंड पाना होता है उसको यूज़ कर सकते हैं। इसको किस लिए यूज़ करना चाहिए दोस्तों, और ये फर्सी या फिर सादा पाना होता है, इसमें क्या फ़र्क रहता है बता देता हूँ। ये जो दोस्तों होता है इसका जो धार रहता है वो पीछे की तरफ से मुड़ जाता है, तो क्या जब आप फिनिशिंग करते हैं लेमिनेट के ऊपर स्क्रेचेस आता है और बहुत शार्प हो जाता है। और ये जो डायमंड पाना होता है दोस्तों जिस पर आप लेमिनेट फिनिशिंग में यूज करते हैं, इसमें पीछे की तरफ से कभी भी बराव नहीं आता है, बराव यानी कि मुड़ाव नहीं होता है, इसलिए दोस्तों इससे फिनिशिंग अच्छा होता है। अभी हम आपको करके दिखाएँगे। और तो चलिए दोस्तों, अपना जो ड्रावर्स है उसमें हम आप लगा के दिखाते हैं कि कैसे लगाया जाता है। ये देख लीजिए, ये अपना एच बेंडिंग है दोस्तों और इसमें हम हीटेक्स लगा दिए हैं पहले से। तो देखिए सबसे पहले इसको स्ट्रेट कटिंग करना कैसे है दोस्तों, देखिए ये आपका सीधा कटिंग करना है। अगर यहाँ पे ऐसे रख के कटिंग करेंगे दोस्तों तो ये देखिए पीछे की तरफ इधर उधर जा रहा है, इसीलिए दोस्तों इस तरह का एक पट्टी फिक्स कर लीजिए। देखिए ये बराबर से कट कोने में है, उसके बाद यहाँ से रख के ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट कट गया, ये आपका सीधा परफेक्ट कट कोने में ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इसको रख देंगे ऐसे ही, अगर यहाँ पे आपका कुछ फेविकोल है कुछ भी है तो उसको आप निकाल क्लीन कर लीजिए तो क्लीन करने से अच्छा रहेगा, थोड़ा सा फिनिशिंग काम में आपका फिनिशिंग अच्छा रहेगा। ये हो गया दोस्तों, अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम इसको फिक्स कर देंगे, ऐसे लगा देंगे ये देखिए। और हीटेक्स अगर आप लगाने के बाद दोस्तों इसको कभी भी अब हेम्बर से ऐसे 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 मारिए मत इसको, अगर एच बेंडिंग लगाएं दोस्तों तो इसको अगर ऐसा नॉर्मली घस देते हैं तब भी जो है ये आपका एच बेंडिंग रहता है वो पकड़ लेता है बराबर से। अब दोस्तों ये इसके आगे के तरफ जो बड़ा इसको कटिंग कर देंगे हम दोस्तों। इसको हम एक बात अभी बता देते हैं कि हम इसको ऐसे टक्कर से नहीं लगाएंगे, इसको कातरे में कट करके लगाएंगे, यानी कि ऐसे क्रॉस कट करके लगाएंगे। अभी देखिएगा हम वो क्रॉस कैसे कटिंग करेंगे, बिल्कुल परफेक्ट और फास्ट काम करना है तो कैसे आप कर सकते हैं।
वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। ये देखिए इसको फिर से हमको सीधा करना था, सीधा कर लिए। और यहाँ पे भी देखिए दोस्तों, अब टच कर देंगे, नज़दीक से दिखाएंगे तो थोड़ा सा भी आपको ग्रू नहीं दिखेगा कहीं पे, बिल्कुल परफेक्ट टच हो जाएगा। अब देखिए इसको पकड़ना है तो दोस्तों सिर्फ इसको घस देना है इस तरह से, किसी भी चीज़ से आप घस सकते हैं इसको। मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है दोस्तों, मुझे जुकाम हुआ है, तो हो सकता है जो मेरा आवाज़ है थोड़ा सा आपको बदल के जाए, तो उसके लिए सॉरी। अब दोस्तों इसका जो मेन है वो बीच का है, यहाँ पे लगाना, थोड़ा सा दूर से दिखाने के लिए कहेंगे। जो मेन लगाना है दोस्तों इसका बीच का लगाना है। अब देखिए इसको भी फिर से यहाँ पर दिखा दीजिए कि इसको स्ट्रेट कट करने के लिए यहाँ पर लगाएँगे, और ये हो गया कटिंग। इसको कट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसे थोड़ा सा बड़ा कट करना है। ये देखिए, ये हम इसको बड़ा कट कर लिए। अब दोस्तों इसका जो ये बीच का भी हम लगाएंगे, इसका जो साइड साइड से बड़ा है उसको क्लीन कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए, इसी पान से आप क्लीन कर सकते हैं, देखिए बिल्कुल परफेक्ट। कहीं पे भी आपको लेमिनेट जो है वो फिनिशिंग आप बिगड़े कर सकते हैं। इस तरफ देख लीजिए, और इस तरफ भी इसका फिनिशिंग कर देंगे। ये हम इससे इसलिए बता रहे हैं दोस्तों क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास ट्रिमर मशीन और कुछ भी नहीं रहता है तो कैसे करना चाहिए, नए कारपेंटर जो रहते हैं दोस्तों उनको नहीं मालूम होता है कि किस प्रकार करना चाहिए, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए इसका जो मेन लगाना है दोस्तों, ये पीछे का, यहाँ से ऐसे ही अंदर के अंदर से थोड़ा सा लेवल कर लेंगे, नहीं तो बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों इस पर रख दिए, अब इसको कुछ नहीं करना, घस देना ऐसे ही। ये घस दिए दोस्तों। अब यहाँ से जो साइड साइड्स के यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है, पहले क्या कीजिए इसको साफ़ कर लीजिए, यानी कि कट कर दीजिए दोस्तों। ये हो गया कटिंग, और यहाँ पे भी इसको कटिंग करना है तो यहाँ पे भी कटिंग कर देंगे इसको। कटिंग हो गया दोस्तों। अब इसका जो मेन काम है फिर बैठाना कैसे है, ये देखिए हम आपको बता देते हैं। आप फर्ती या फिर पाना कुछ भी लेके दोस्तों इसको बीच बीच में इस तरफ से और इस तरफ से दोनों टक्कर मिला के आपको सीधा मार देना है दोस्तों। उसके बाद जो आपका ये वाला है ये निकल जाएगा। अब देखिए इसका जो कातरा लगाना था, बिल्कुल एक सेकंड में इसका जो कातरा है हम लोग लगा दिए हैं, देख लीजिए। थोड़ा ऊपर से करेंगे तब फोकस करेगा, हाँ बिल्कुल इस तरह दोस्तों। यहाँ से भी अभी कटिंग करेंगे, अभी देखिएगा। ये देखिए अभी भी ये चिपका नहीं है, ये ऊपर का है। अब इसका जो नीचे का पीस है ये वाला, ये निकाल दिए और ये बैठा दिए। अब इसको थोड़ा सा घस देंगे दोस्तों, ये पकड़ लेगा अच्छे से और ये निकलेगा नहीं। ये देखिए अब इसका जो क्लीनिंग है दोस्तों, इसका भी वो भी कर देते हैं अंदर की तरफ से। ये देख लीजिए, और यहाँ से भी पीछे की तरफ से भी कर देंगे दोस्तों, इसका जो फिनिशिंग करना है हमको। और यहाँ से भी अब दोस्तों इसका जो ड्रावर सेक का एच बेंडिंग हम लगाए हैं पूरा, देख लीजिए यहाँ से भी बिल्कुल गैप नहीं है। आपका जो हम कातरा फिक्स किए हैं यहाँ पे भी बराबर से टच रहेगा, और यहाँ पे भी बराबर से टच रहेगा सब तरफ से। और आप देख लीजिए दोस्तों कितना मिनट का वीडियो बनाए, आपको वीडियो के साथ में बताए हैं तो इतना टाइम में हो गया। अगर आप कुछ नहीं करते तो कितना जल्दी कर सकते हैं। फुल फ्रेम
दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह से अगर आप करते हैं तो आराम से कर सकते हैं। और ये जो आपका डायमंड पाना रहता है दोस्तों, ये बहुत काम का रहता है। अगर आप इसका जो गेज प्लेट से क्लीनिंग करते हैं, जो कि एच बेंडिंग क्लीनिंग के लिए आता है दोस्तों, उसका पैसा 2000 रुपये लगता है। तो फोकट में आपको 2000 देने की ज़रूरत नहीं है। और उससे दोस्तों कहीं कहीं पर क्या होता है, अगर ये देख लीजिए यहाँ पर ये वाटकल्स है दोस्तों, और यहाँ से जब उससे क्लीनिंग करेंगे तो यहाँ ही तक जाएगा, बाकी जो यहाँ पे रहेगा वो हाथ से ही करना पड़ेगा। तो पाना से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। और इस पर ये नहीं है कि इसे करने से आपका जो हाथ में लगेगा, देखिए मैं हाथ चला रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं लग सकता है, क्योंकि ये जो रहता है अपना, इससे कटता कम है, ये बैंड ज़्यादा होता है इसलिए। और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा शार्प ना रहे, तो इस तरह से आप इसको जो इसका धार है वो थोड़ा सा गिरा सकते हैं आप, ताकि हाथ में ना लगे। ये देख लीजिए, ये भी हम आपको इसी वीडियो में बता देते हैं, जो कि कंपनी से हो के आता है फ्रेंड्स, वैसा वाला अगर आपको काम करना है आराम से कर सकते हैं। और यहाँ पे भी देखिए, इस तरफ से भी ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो कर सकते हैं दोस्तों, उसी जब का जब कर सकते हैं आराम से, इस तरफ से भी। जी अब देखिए बिल्कुल परफेक्ट हो गया, कहीं से भी इसमें हाथ लगाएंगे कट नहीं सकता, कुछ नहीं हो सकता। और आराम से आपका जो ड्रावर्स बनाएंगे मस्त, कहीं पे ड्रावर्स पे लगाना है, वार्डरोब के धार पे लगाना है, कहीं पे भी लगाना है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी कर लीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।